हाय गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ा सा भी पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूले। सो इन टुडेज़ वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू हाउ टू ग्रो योर आईब्रोज एंड आई लेसेस नेचुरली। तो हर कोई चाहता हो कि हमारे जो आई लेसेस है वो नेचुरली लॉन्ग रहे एंड आईब्रोज भी थिक रहे, बट 95% लोगों के आईब्रोज एंड आई लेसेस थिक एंड लॉन्ग नहीं रहते हैं। अगर आपका आईब्रोज नेचुरली थिक रहता है तो आपका जो फेस है बहुत ही शार्प लुक आएगा एंड आप विदाउट मेकअप भी गॉर्जियस दिखोगे। एंड अगर आपके आई लेसेस नेचुरली लॉन्ग है तो आपको तो कोई ज़रूरत ही नहीं है आप फॉल्स लेसेस अप्लाई करो। तो ये जो पिक्चर देख रहे हो आप लोग, ये मेरी पिक्चर है एंड मेरी थोड़ी बहुत आई लेसेस है जेनेटिकली, जैसे कि आप लोग देख सकते हो पिक्चर में। एंड मेरी जो आईब्रोज है वो ज़्यादा थिक नहीं है, तो मुझे बहुत ही थिक आईब्रोज पसंद है। तो इस DIY जेल को ट्राई करने के बाद मुझे थोड़ा बहुत रिजल्ट मिला, मुझे थोड़ा बहुत थिकनेस देखने को मिला मेरी आईब्रोज पे। एंड शायद मैं इसे कंटिन्यू करूँगी तो मुझे और भी अच्छा रिजल्ट मिले। तो आप लोग के लिए भी अगर हेल्पफुल होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके लिए ये हेल्पफुल रही या नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड 2 to 3 गार्लिक्स एंड थोड़ा बहुत जिंजर उतने ही अमाउंट पे, यानी कि अदरक एंड लहसुन। तो आपको इसे एक अच्छी फाइन पेस्ट बना लेना है एंड देन आपको चाहिए एक खाली कंटेनर जिसमें आप इसे स्टोर करके रखने वाले हो। आपको इसे फ्रिज पे स्टोर करके रखना है ताकि ये बहुत दिनों तक रहे एंड आप इसे इजीली 1 to 2 weeks तक इसे यूज़ कर सकते हो। एंड देन आपको फिर से बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको चाहिए जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट का जूस। तो मैं यहाँ पे जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट का जूस निकाल लूँगी। तो मैंने उसका जूस इस कंटेनर में भर लिया है एंड अब सीरम बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है कैस्टर ऑयल। आप कोई सा भी कैस्टर ऑयल यूज़ कर सकते हो एंड वैसलीन यानी कि पेट्रोलियम जेली एंड आपको चाहिए एक विटामिन ई का कैप्सूल। सो नाउ सबसे पहले आपको ऐड करना है 1/2 teaspoon ऑफ वैसलीन। एंड अगर आपको लगता है कि जिंजर गार्लिक का जूस थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो पहले आप उसे कम कर लो, फिर बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो आप बाद में उसे ऐड कर लेना। देन आपको ऐड करना है विटामिन ई का कैप्सूल, उसके अंदर जो ऑयल है उसको आपको निकाल के ऐड करना है। एंड देन आपको ऐड करना है कैस्टर ऑयल 1/2 teaspoon। अब आपको उसे अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि जो भी हमने इंग्रेडिएंट्स मिलाया है वो आपस में मिक्स हो जाए। सो नाउ ये पेस्ट रेडी होकर बन गया है। अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को इसे अप्लाई कैसे करना है। सो इसको अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए एक एम्प्टी मस्कारा, पुराना जिसके अंदर अब मस्कारा नहीं है, ख़त्म हो गया है। एंड अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने फिंगर टिप के हेल्प से भी लगा सकते हो। सो अब मैं इस प्रोडक्ट को ब्रश में ले रही हूँ एंड देन उसको मैं आईब्रोज पे अच्छी तरह से कॉम करते हुए उसको अप्लाई करूँगी अपवर्ड्स मोशन में। एंड थोड़ा आपको जेंटली करना है ताकि वो प्रोडक्ट अच्छी तरह से आपके आईब्रोज पे लगे। इसमें मिलाया हुआ अदरक एंड लहसुन का जूस हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है एंड हमारे हेयर को थिकर बनाने में भी हेल्प करता है। तो ऑब्वियसली हमारे आईब्रोज एंड आई लैशेज को भी ये लॉन्ग एंड थिकर बनाने में भी हेल्प करेगा। एंड इसके अलावा भी हमने जो विटामिन ई का कैप्सूल एंड कैस्टर ऑयल ऐड किया है वो तो आपको पता ही होगा, वो भी हमारे हेयर ग्रोथ को थिकर एंड लॉन्गर बनाने में हेल्प करता है। एंड इसके अलावा भी वैसलीन बहुत सारे लोग यूज़ करते होंगे नाइट टाइम में अपने आईब्रोज एंड आई लेसेस पर, जाकि आई लेसेस लॉन्गर एंड थिकर रहे, तो वो भी हमने ऐड किया है। तो इसमें मिलाए सारे इंग्रीडियंट्स बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे आईब्रोज एंड आई लेसेस को ग्रो करने के लिए एंड थिकर बनाने के लिए। तो आप लोग भी इसे ज़रूर से ट्राई करना एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इसका रिव्यू। एंड अगर आप लोगों को मेरा आज का बनाया हुआ DIY रेमेडी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, मैं ऐसा और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहूँगी। सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो सी यू सून माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।